नमस्कार, मैं हूं श्रीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रायगढ़ में खाई में गिरी मिनी बस हादसे में 33 लोगों की मौत, बड़ी खबर आ रही है। रायगढ़ जिले में आंबे नली के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक निजी बस खाई में गिर गई। इस हादसे में कृषि कॉलेज के 33 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी यात्री कोंकण कृषि विद्यापीठ के कर्मचारी हैं। ये पिकनिक मनाने के लिए दापोली से महाबलेश्वर जा रहे थे। हादसा अम्बेनाली घाट के पास पुलासपुर में लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर दाभी भाव के पास सुबह 10:30 बजे घने जंगल वाले इलाके में हुआ है। पुलिस के मुताबिक यहाँ मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से यात्रियों से संपर्क साधने में और बचाव कार्य में दिक्कत हुई। प्रशासन को इसकी सूचना देर से मिली। बस में सवार एक यात्री किसी तरह जंगल से निकलकर रोड तक पहुंचा और उसने लोगों को घटना के बारे में बताया। रायगढ़ जिले के जिला कलेक्टर विजय सूर्यवंशी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि पोलटपुर में बस खाई में गिरने से उसमें सवार 34 में से 33 लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही भीषण हादसा है और इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं खबरदार संवाददाता विनय दुबे जी से। अब विनय जी, ये क्या मामला, क्या हादसा है और अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ पर? जी हाँ, ये खबर कुछ 35-35 लोग की मृत्यु बताई जा रही, जिससे एक बहुत था और ये जंगल टाइप का, जिससे नेटवर्क बहुत मुश्किल से मिलना और वहाँ नेटवर्क बहुत मुश्किल से मिलना, जिससे लोगों को कांटेक्ट करना बहुत भारी पड़ा था। ये हादसा 10 से 10:30 के बीच में हुआ था, जिससे ये नदी क्रॉस करके आगे खाई की तरफ जा रही थी, आगे रोड की तरफ जा रही थी, जिससे बस का डिसबैलेंस होने से बस खाई में गिर गई, जिससे 35 लोग अभी तक बताए जा रहे, मरने की खबर बताई जा रही है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि किस तरीके से ये बस एक्सीडेंट हुआ था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।